निद्रा भोजन भोग भय, ये नर पशु समान। ज्ञान अधिक इक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। चंद्रगुप्त, पृथ्वी पर कई जीव मनुष्य से अधिक शक्तिशाली थे। गाय, बैल, शेर, हाथी सभी मनुष्य से अधिक बलवान थे, किंतु राज किसने किया पृथ्वी पर? मनुष्य ने। कैसे? बुद्धि से। तुम्हें भी बुद्धि से लड़ने वाला योद्धा बनना है चंद्रगुप्त। यदि तुम अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से प्राप्त करना चाहोगे तो आत्मिक बल वो कर दिखाता है कि साधारण लोगों को यह असंभव लगता है। आचार्य, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस धरती का सबसे भाग्यशाली विद्यार्थी, जिसे आपके आशीर्वाद से इन महान योद्धाओं से शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य, क्या सदैव मैं इनसे यहां सीखता नहीं रह सकता? ये सब तो इतना कुछ जानते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे बहुत कुछ सीखना है आचार्य। अति सर्वत्र वर्जते। अति किसी भी बात की बुरी होती है चंद्रगुप्त, फिर वो चाहे सीखने की क्यों ना। ज्ञान का अर्थ उसके उपयोग में है। यदि तुम एकाग्रचित हो सको, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो, तो एक साधारण शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है। चाहे जितनी पीड़ा हो, यदि तुम्हारा मन उस पीड़ा को माने ही ना तो। इतिहास में ऐसे कई वीरों के विवरण हैं जिनका सर धड़ से अलग हो गया, किंतु वो युद्ध में लड़ते रहे, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे। उन योद्धाओं को गौरवान्वित करो, बता दो उन्हें कि अब तुमने संभाला है उनका उत्तरदायित्व।